नहीं मानी ना तो देश देखेगा भाई, जबरदस्ती करवा दूंगी आपसे अगर आप नहीं कहोगे। सब शर्म आई ना आपसे कि मुझे शर्म आएगी? मेरे को मैम कोई शर्म नहीं। अगर आपने जो जो बात मेरे को बताई ना इन्होंने कि आपके साथ ये हुआ, उन बातों में अगर आपको शर्म आवे तो मुझे पहले ही बता देना। आपकी शर्म कर रहा था, मेरे को बोलने में शर्म नहीं है। आपको शर्म नहीं है ना? आप वो जो इनकी रिपोर्ट है मैच की, उसे बाकायदा ऐसा दिखाकर आपके मुंह से कहलवाऊंगी कि आपके साथ क्या क्या हुआ। तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, इस बात को बाहर अगर आप ज्यादा वो नहीं करना चाहते हो, ज्यादा इस बात को नहीं उखड़वाना चाहते हो कि इनके साथ क्या क्या हुआ, अच्छे से पता आपको क्या क्या हुआ, तो प्लीज आप इनकी बात को मान ले, इस धरने को शांत करवा दे, उचित कार्रवाई करें। अभी बोलने में कोई शर्म नहीं। ठीक है ना, देखिए उनको अब आप चाहते हैं कि देश देखे इस चीज को कि क्या क्या हुआ, और रिपोर्ट भी है मेडिकल हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल की, सॉरी वो चीज रिपोर्ट बाकायदा रिपोर्ट, झूठ तो बोलेगी नहीं मिलिट्री हॉस्पिटल की। ठीक है, तो रिपोर्ट दिखा दूंगा मीडिया में भी, रिपोर्ट उनको दिखाई जाएगी कि क्या क्या हुआ, कि इस बात को आप कुछ भी समझे चाहे, और भाई को खड़ा करके मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरे देश में आपकी आवाज़ को मैं लेके जाऊंगी। भाई ऐसी बात नहीं है, जब इतनी हरकतें, इतनी गंदी घिनौनी हरकतें, जने कि अभी अपने घर में से सीख रहे ये सब कर्म करने जो इनके साथ वो कर्म किए इन्होंने। ठीक, मैं तो यही कहूंगी कि जो आप नहीं चाहते हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, धरना समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप इन भाई को न्याय देवें, इंसाफ देवें। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि देश में इस बात की धज्जी उड़े कि क्या क्या करा इनके साथ, कोई बात नहीं, तैयार है हम भी भाई। मैडम, अगर प्रशासन की तरफ से कोई मांग नहीं मानी जाती है संबंध में, तो आप बताया ना क्या करेंगे, बताया ना क्या करेंगे, मुझे चिट्ठी है ना मिलिट्री हॉस्पिटल की, उसे दिखाएंगे। और अब भाई शर्मा रहा थोड़ा सा, क्योंकि बहन बेटी हो भाई, मैं भी और बहन बेटी भी वीडियो देखे, फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सा क्या करा, शर्म भी उतारनी पड़ेगी, नहीं उतारनी पड़ेगी, फिर भाई के मुंह से ही करवाएंगे कि क्या क्या हुआ साथ में। और आप भी बने रहना, और आते रहेंगे हम लोग यहाँ पे, जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नहीं चाहते मैम बोलने में कोई शर्म नहीं, अभी मेरी बहन बैठी हुई है, तो इनका जो रूप है ना वो खोल के दिखाना पड़ेगा। अगर आज इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपकी कमेटी मिलने जाएगी ना उनसे, पहले आज की बात उनसे सुन लीजिए, फिर जो है अच्छे से खुले मंच पर, देश के बड़े मंच पर करवाएंगे इस बात को, अच्छे से किसानों के मंच पर। इधर देख लीजिएगा थोड़ा सा, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक नायक रेशम सिंह, 3 मई 2021 को मैं अपनी दो बहनों और माँ के साथ अपने जीजा जी के अंतिम संस्कार में जा रहा था। पुलिस द्वारा गाड़ी रोकी गई और मेरे गाड़ी के कागज चेक कराने के लिए कहा गया। गाड़ी के कागज चेक कराने में जिसमें मेरे को प्रदूषण नहीं मिल रहा था, उसमें से मेरे को 4-5 मिनट विलम्ब हो गया। इसी के ऊपर दरोगा राम नरेश और ऋषि अहमद ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और मेरे साथ मैंने इसी भाषा का उपयोग के ऊपर विरुद्ध किया कि आप मेरे साथ गाली गलौज ना करो। मैं भी 18 साल देश की सेवा करके आया हूँ, और बहुत दुखी मन से मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ जहाँ मेरे जीजा जी का अंतिम संस्कार है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और मार पिटाई शुरू कर दी। मेरी माँ और दोनों बहनें अंदर से आई, और माँ के भी हाथ में डंडा लगा, उनका मेडिकल हो चुका है, और दोनों बहनों को रोड के ऊपर नीचे गिरा कर रामदेव द्वारा मारा गया। फिर कोतवाली में जाकर हम मुझे चारपाई पे बांध कर, और जो उन्होंने बर्बरता की, 3rd degree की, उसके बाद में जो एक अमानवीय कृत्य किया, जो आप सभी जानते हैं, बार बार बोलूँगा फिर भी वही बात है, आप सभी जानते हैं कि उसके ऊपर भी मुझे विश्वास नहीं था कि पुलिस ऐसी भी हरकत कर सकती है, लेकिन मैंने उस हरकत को अपने ऊपर सहा है। उस टाइम पे भी मेरे दिल में यही आ रहा था कि ऐसी बर्बरता से अच्छा तो मैं देश के ऊपर बॉर्डर में मर जाता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, कि चार लोग मेरे आंसू बहाने के लिए आते कि ये बंदा आज देश की रक्षा के लिए मर गया, ना कि ये हमारे देश की पुलिस के हाथों से मर रहा है। अगर मेरे सामने मेरे साथ में कोई दूसरा होता तो शायद इस आवाज़ को ना उठाता। अगर मैंने आवाज़ उठाने की हिम्मत की है, मेरी बहन दिल्ली से चल के मेरे समर्थन में जहाँ आई है, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और सारे मीडिया कर्मचारी जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरा सहयोग कीजिए और मुझे न्याय दिलाने में आपकी बहुत भूमिका रहेगी। बिल्कुल भाई, देखिए सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है, मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भाई को प्लीज सहयोग करें। सुनीता जी से उधर न।